हे गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नई वैकेंसी जारी की गई है नाविक और यांत्रिक की। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। फॉर्म के डिटेल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको गाइस इस पेज पर आना है, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट अकाउंट। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। यदि आप पहले से इसमें कोई भी वैकेंसी अप्लाई की है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो आपको उसी मेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। पासवर्ड अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। सो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे अपने पासवर्ड को दोबारा से प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जब इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं पहले से, तो उनका मेल आईडी मैच कर जाता है या मोबाइल नंबर मैच कर जाता है, तो वो इसमें फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो वो भी बताएंगे, और फर्स्ट टाइम अगर आप फॉर्म अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। ये नाम आपके हाई स्कूल में जिस प्रकार से लिखा रहेगा वही नाम लिखना है। आपको अपने नाम में मिस्टर मिसेस ये सब यूज नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने माता का नाम लिखना है। नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडिया के निवासी है तो इंडियन, अदर है तो अदर, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके लिखेंगे जो अदर आपका नेशनलिटी है। उसके बाद आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। इतना कुछ लिखने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आपको अपने मेल आईडी को लिखनी है, वही दोबारा मेल आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर लिख के यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेक कर लीजिए, क्योंकि इसी पर आपका मैसेज सेंड किया जाएगा। अगर आपका सही सही है तभी आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चल जाएगी और आपके मेल आईडी पर भी ओटीपी सेंड किया जाएगा इनके द्वारा। दोनों ओटीपी आपको नीचे यहाँ पे लिखना है, जिसकी टाइम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक चल रही है। यहाँ पे मेल आईडी की ओटीपी लिखेंगे और यहाँ पे मोबाइल की ओटीपी आप लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। दोनों ओटीपी को दोनों बॉक्स में लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा सबमिट का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपको मिलेगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक सक्सेस हो चुकी है। आपको सिस्टम के द्वारा जनरेट की गई है पासवर्ड, जो कि आपको आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। अब इसके बाद गाइस आपको लॉगिन करना है, यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने मेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड को लिखने के बाद बटन यहाँ पे मिलेगा लॉगिन का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अपने मन मुताबिक एक नया पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पे आप जो पासवर्ड लिखेंगे वही सेम पासवर्ड आपको इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद कैप्चा कोड जो शो हो रहा है आपको इस बॉक्स में लिख लेना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेनी है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। पासवर्ड रिसेट करते ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ इस साइड में आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके डिटेल्स मेंशन की गई है, आप इसे कंप्लीट सबमिट करेंगे। तो आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे आप आएंगे। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल सबमिट किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शनल है। आप इसमें देना चाहते हैं सेकेंड मेल आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आपको अपने मैरिटल स्टेटस को बताना है कि शादी हो गया या शादी नहीं हुआ है। इसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर को लिखना है, यदि आपका आधार नंबर है तभी दीजिए, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी है, चाहे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी सेलेक्ट करेंगे। उस आईडी कार्ड के जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दोबारा से वही सीरियल आईडी नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे। आपके बॉडी में कोई भी ऐसा पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दो बॉडी मार्क आपको बतानी है। इतना सब कुछ लिखने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, डेट मेंशन करना है कि किस डेट में आपकी कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हुई है। कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी है वो वैलिडिटी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपके पास अगर बर्थ की सर्टिफिकेट है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ
यहाँ पे 10th क्लास की सर्टिफिकेट या मार्कशीट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप अपने एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद फी वेलवर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, आपको बतानी है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं या आप अनएम्प्लॉयड है या आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयड है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फोटो को अपलोड करना है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि इसमें 10 की सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे अपलोड करेंगे। फाइल आपकी जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ में होनी चाहिए और 10 से 100 केबी की साइज यहाँ पे मांगी गई है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स एक एक करके अपलोड करने के बाद नीचे आपको एक बटन मिलेगा सेव का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। सेव के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो सक्सेसफुल सेव हो जाएगी। यहाँ ओके के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जहाँ पे आपको अपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपके एज के हिसाब से अपने पोस्ट को सिलेक्ट करनी है। ध्यान दीजिए, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट को सिलेक्ट करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। अपने पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन पोस्ट है वो सफलतापूर्वक सेव हो जाएगी। ओके के बटन पे आपको क्लिक कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने क्वालिफिकेशन को ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिड यू पास क्लास 10th, यहाँ पे यस कर लेनी है। जिस भी बोर्ड से आप क्वालिफाई किए हैं उस बोर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे नंबर आपको लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर लिखने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आपको मार्कशीट की परसेंटेज है या सीजीपीए है या ग्रेड है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो मार्कशीट है वो किस डेट में इशू की गई है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास 10वीं की अतिरिक्त मार्कशीट है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसे आप नो जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल हाई स्कूल में कितना सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद ऐड सब्जेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप मैथ लिखेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कितना आप नंबर पाए हैं 100 में से वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद ऐड कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपको अपने 6 सब्जेक्ट को एक एक करके ऐड करना है, किस सब्जेक्ट में कितना आप नंबर पाए हैं वो आप यहाँ पे लिख के ऐड करेंगे। तो चलिए इसे ऐड कर लेते हैं। अपने सभी सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपने 10वीं की जो मार्कशीट है उसे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 10वीं की जो सर्टिफिकेट मतलब सनद, तो यहाँ पे दोनों आपको अपलोड कर लेनी है। सभी डिटेल्स को मेंशन करने के बाद यहाँ पे सेव का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो 10वीं की क्वालिफिकेशन है वो सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद 12वीं के क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यस करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है उसे लिखना है, और उसके बाद परसेंटेज है तो परसेंटेज या जो भी है सीजीपीए ग्रेड है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट यानी कि आपकी जो सर्टिफिकेट किस डेट में प्राप्त हुआ है वो डेट आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे फिजिक्स और मैथ की, तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर आप पाए हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे और 100 आउट ऑफ होता है। उसके बाद यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट को आपको बताना है, तो मैथ सब्जेक्ट में आप जितना भी नंबर पाए हैं वो आप लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 100 आपका होता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होती है तो इसे आप यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। अपने 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे फिर से अपने 12वीं की मार्कशीट को अपलोड करनी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेनी है। अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद फिर से यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके 12वीं की क्वालिफिकेशन भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद ओके के बटन पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में सेंड किया जाएगा। यहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन डिटेल्स को ऐड करनी है। अपने एड्रेस को लिखने के बाद अगर आप सेम पते पे रहते तो यहाँ इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे तो सारा एड्रेस आपका नीचे भी आ जाएगा। दूसरे पते पे रहेंगे तो आप चेकबॉक्स को हटा के आप उस पते को लिखेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, डोमिसाइल स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। अपने स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। इसके बाद ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स को ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपके पास एनसीसी एबीसी ग्रेड की सर्टिफिकेट है, तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ नो कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कहा जा रहा है कि क्या आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है क्या आप आर्म फोर्स के लिए सर्विस की है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है।
अगर आप स्पोर्ट लेवल के खिलाड़ी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको स्विमिंग आती है यानी कि तैरना आती है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। एंड उसके बाद इसे भी आपको नो करना है, तो यहाँ ये सब ऑप्शंस को आप नो कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे भी नो करना है, और इंडियन आर्मी के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। तो ये सब ऑप्शंस आप नो कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग पढ़ के। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में डिटेल्स देनी है। तो आपसे ये कहूँगा कि ये सभी ऑप्शंस आप नो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे भी आप नो कर लीजिए। यहाँ पे आपके केस के बारे में कहा जा रहा है, क्या आपने कभी अपराध किया है और आपका केस कोर्ट में गया है, तो आप उसके लिए यहाँ पे नो कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप बताइए, नहीं तो आप नो कर लीजिएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि क्या आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए कभी फॉर्म सबमिट किया है, प्रोसेसिंग में है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो भी कर लेंगे। एंड उसके बाद ये सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स देने के बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे के निशान को अपलोड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे अपने फोटो को अपलोड करना है। फोटो की जो सैंपल है देखिए यहाँ पे मेंशन की गई है, आपका ऊपर यहाँ पे नाम होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए फोटो की जो डेट मांगी गई है, पासपोर्ट साइज की फोटो यहाँ पे होनी चाहिए और डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 15 दिसंबर 2021 के बाद का नहीं होनी चाहिए, उससे पहले का है तो आप इसे अपलोड करेंगे, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम का है तो आप अपलोड करेंगे। जेपीजी फॉर्मेट में ये फोटो आपकी मांगी गई है। 10 से 100 KB की फाइल होनी चाहिए और आपका एज 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी सैंपल यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे आपका अंगूठे का निशान होनी चाहिए। तो यहाँ पे फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। अपने फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओपन के बटन पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। अपने फोटो, सिग्नेचर और अपने अंगूठे के निशान को अपलोड करने के बाद यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फोटो, सिग्नेचर अपडेट हो जाएगा। यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एग्जाम से संबंधित सिटी को सिलेक्ट करना है। 30 किलोमीटर के अंदर में ही एग्जाम चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और उसके बाद 5 एग्जामिनेशन प्रिफरेंस सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो भी नजदीकी है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। 5 प्रिफरेंस सिटी को सिलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो स्टेज फर्स्ट की जो प्रिफरेंस है वो सेव हो जाएगी। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टेज सेकेंड की सिटी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जोन मिलेगा, इसमें फर्स्ट जोन यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा सिलेक्ट नॉर्थ जोन, इसमें अपने सिटी को सिलेक्ट करना है नोएडा। एंड उसके बाद सेकेंड जोन अपने मन मुताबिक इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 सिटी सेलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके स्टेज सेकेंड की प्रिफरेंस भी सेव हो जाएगी। ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीवियस का डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको शो ऑल ऑप्शन मिलेगा, हाइड ऑल ऑप्शन मिलेगा। शो ऑल करेंगे आपको सारी चीज दिखाई जाएंगे जो आपने सबमिट किया है। नीचे आप करते जाएंगे तो आपके सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दिखते जाएंगे। जो भी अगर आपको लगता है कि गलत है तो आपको डायरेक्ट उसी के बगल में एडिट का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेज आप अगर करना चाहते हैं तो बगल में एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। सभी डिटेल्स अगर सही है तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको अपने सिटी को लिखना है। इसके बाद अपलोड सेल्फ हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन ऑन, आपको इस पे क्लिक करके अपने डिक्लेरेशन को अपलोड करनी है, जो कि 10 से 100 KB की साइज मांगी गई है जेपीजी फॉर्मेट में। ये डिक्लेरेशन फाइल फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा? यहां पे आप देखेंगे नोट के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसे हम ओपन करके दिखा रहे हैं। ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको इसे A4 साइज में प्रिंट आउट करनी है। प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो आप इसे चेक कर सकते हैं। आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे वो फॉर्मेट आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट टू राइट द अबव कंटेंट हिज ऑन हैंडराइटिंग, ठीक है। तो आपको ऊपर का जो ऑप्शन है, सबसे पहले तो ये जो आई है ये आई आपको लिखना है। उसके बाद आपका नाम लिखना है, सन ऑफ आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, और ये सब कुछ आपको मेंशन कर लेनी है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है इसे मेंशन करनी है। फोटो यहाँ पे आपको चिपकाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपके द्वारा फोटो अटेस्टेड होनी चाहिए। यहाँ इस पे आपको लिखना है इस पेज पर, और उसके बाद आपको नीचे आना है।
सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, आपके घर में जो भी गार्जियन है उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे बाएं अंगूठे का निशान आपको लगाना है, कैंडिडेट का रहेगा ये अंगूठे का निशान। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा, उसके बाद कैंडिडेट का नाम, बैच यहाँ पे लिखना है, उसके बाद पोस्ट अप्लाई कौन सा है वो लिखना है, और आईडी प्रूफ की जो नंबर है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। ये जो फाइल है जेपीजी फाइल में अपलोड करनी है, तो आप चाहे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, चाहे आप फोटो खींच के अच्छे से फोटो खींचिएगा जो कि साफ नजर आए, और उसके बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद अपने फाइल को अपलोड कर लेनी है। अपलोड करते ही सक्सेसफुल अपलोड जाएगा, उसके बाद आपको नीचे करना है, यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन मेंशन की गई है बॉक्स, आपको इन सभी बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। सभी बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद एक बटन मिलेगा नीचे, आपको सेव का इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल्स आपको दिखाई देगा, तो आप इसे चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करनी है, इसके बाद कन्फर्म डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, योर एप्लीकेशन डिटेल्स आर कन्फर्म सक्सेसफुल। आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक मैसेज मिलेगा कि आपकी फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुकी है, लेकिन अभी आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो डेट है उस डेट से पहले आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, जो भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे वही पेमेंट करेंगे, अदरवाइज एससी एसटी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट इसमें फी पेमेंट नहीं करेंगे। तो पेमेंट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जिसके भी द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। पेमेंट करने की जो टाइम है यहाँ पे चल रही है 15 मिनट, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। आप इसमें जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगी पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स एंट्री करनी है, कार्ड किसके नाम से वो कार्ड का नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी लिखनी है, सीसीवी कोड यहाँ पे लिखना है, उसके बाद कन्फर्म पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसमें पेमेंट करेंगे। सो ये एक फॉर्म में नमूने के तौर पे आपको फिलअप करके दिखा रहा था कि इस प्रकार से आप इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे। आगे की जो प्रोसेस है आपको पेमेंट करना है, उसके बाद अपने फॉर्म की पीडीएफ या प्रिंट आउट जरूर ले लेनी है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल गाइस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई सवाल होता है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।